इम्प्रूवमेंट एग्जाम और रीचेकिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या आपको लगता है कि इसके द्वारा कुछ हमारे मार्क्स चेंज होते हैं, कुछ बदलते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन्हीं चीजों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। उसके पहले गाइस, अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग फार्मेसी डिप्लोमा कर रहे हो तो प्रदीप बीवी अकेडमी ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप 10th में हो, अगर साइंस लेना चाहते हो तो आपके लिए दो दो चैनल है, गिरी टू है, प्रदीप गिरी 11th एंड 12th, जिसके अंदर पार्ट वन पार्ट टू, गिरी टू है पार्ट वन और उस पर पार्ट टू आने वाला है। और एक जो कॉमर्स के लिए चैनल हमने बनाया प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी, तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस, फटाफट जाके उसको फॉलो करो। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करता हूँ रीचेकिंग। देखो रीचेकिंग, अगर आप ग्रेजुएशन में हो, जैसे कि आप इंजीनियरिंग में हो, फार्मेसी में हो, बीएससी में आगे जाके, और उस समय ऐसा कुछ होता है कि आपने जब एग्जाम दिया था और एग्जाम देने के बाद आपके जो मार्क्स है बहुत कम मार्क्स आए हुए हैं और आपको लगता है कि आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा था पर आपके हिसाब से आपको मार्क्स बहुत कम हो रहा है। और गाइज वहां मतलब वहां का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है कि ग्रेजुएशन में जब बच्चे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका मार्क्स बहुत बार चेंज होता हुआ दिखाई देता है। इवन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां अगर बच्चों का गैप 2-3 मार्क्स का रहता है, मतलब पासिंग से 2-3 मार्क्स का गैप होता है, तो बहुत बार वो बच्चे निकलते हुए भी दिखाई देते हैं गाइज, बहुत बार क्लियर हो जाता है। बट अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा प्रोपोर्शन, मतलब ज्यादा प्रोपोर्शन इस चीज को लेके है कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता गाइस। जो सच है वो मैं आपके साथ बताऊंगा कि अगर रीचेकिंग में अप्लाई करोगे, सबसे पहले आप फोटो कॉपी मंगा लो। फोटो कॉपी मंगाने के बाद अपने जो टीचर्स होंगे उन टीचर्स को दिखाओ कि टीचर्स देखो इसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है क्या। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबका चेंज नहीं हो सकता। जो बंदा 101% फिक्स है कि नहीं नहीं मैं करी मेरा सर है ही है ही है, तो भाई उसका चेंज हो सकता है। क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ साल पहले एमपी के बोर्ड की एक बात बता रहा हूँ, एक लड़का ऐसा था कि जिसका ओवरऑल परसेंट बहुत अच्छा, और इसी बार एक बोर्ड का ऐसा था कि जिस बच्चे को फेल कर दिया गया था, फाइनली वो पता चला कि उस सब्जेक्ट में उसको 99 मार्क्स 100 में से। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, बट फिर से फुल कॉन्फिडेंट हो जाओ, इसलिए मैंने सबसे पहले बोला कि फोटो कॉपी मंगा लेना। फोटो कॉपी मंगाने के बाद आप अच्छे से वेरीफाई कर लो, चेक कर लो जो आपके टीचर उस सब्जेक्ट के, उनको दिखा लो टीचर कुछ जिसमें चेंज हो सकता है क्या। अगर आपको लग रहा है फिर भी गड़बड़ है तो भाई रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दो। उसमें मैंने बोला बोर्ड में बहुत कम ही चांस होता है कुछ चेंज होके आता है, बट हमेशा भी ऐसा नहीं होता। मैंने प्रोपोर्शन बताया कि प्रोपोर्शन बहुत बार ऐसा होता है कि चेंज ज्यादा कुछ नहीं होता, पर कुछ बार चेंज भी होता है। तो अगर आपको लगता है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। इंप्रूवमेंट एग्जाम में गाइस अगर मैं बताऊं तो इंप्रूवमेंट एग्जाम में आपके पास टाइम, इंप्रूवमेंट एग्जाम साल में 2 बार होता है, 2 चांस आपको होता है। एक होता है आपका जुलाई में, एक होगा आपका लास्ट में जब बच्चे बाकी एग्जाम देंगे, 2024 का एग्जाम देंगे, उस टाइम आपका भी एग्जाम होगा। आप चाहो तो अगला बार का भी एग्जाम दे सकते हो, इस समय आप कंटिन्यू अपना जो ग्रेजुएशन कर रहे हो कर सकते हो और अगले बार भी एग्जाम दे सकते हो आपके ऊपर, या साल भर पढ़ के अगले साल भी एग्जाम दे सकते हो आपके ऊपर, अगर आपका आपको स्कोर अपना बढ़ाना है। बट मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर 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 आप IIT, IIIT, NIT ये सब में नहीं जाना चाहते तो 75% का आपका क्राइटेरिया तो बिल्कुल नहीं है। और इवन गाइस बहुत ऐसी बहुत कमी कंपनियां हैं जिसके अंदर आपको 60 या 70% कंपलसरी 10th और 12th में चाहिए, ऐसा मांग करती है कंपनी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है ऐसी कंपनियां, बट बहुत कम कंपनियां। पर अगर आपका ग्रुपिंग क्लियर हो जा रहा है, 12th वाले बच्चों ग्रुपिंग क्लियर हो जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जाना चाहिए। अपनी जो एनर्जी है वो बाकी कोर्सेज पे ये करना चाहिए। 10th वाले बच्चों मैं आप सभी को तो पहले ही बोल के रख रहा हूँ कि इंप्रूवमेंट एग्जाम आप सभी के लिए मतलब इतना ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आप साइंस लेना चाहोगे तो साइंस मिल सकता है, कॉमर्स लेना चाहते हो तो कॉमर्स मिल सकता है, आर्ट्स लेना चाहते हो तो आर्ट्स मिल सकता है। अपनी जो एनर्जी है मुझे लगता है आगे वाले कोर्सेज पे ज्यादा लगाना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर आप हो तो अगले साल आप देख के मार्क्स बढ़ा लो, अगर आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हो। बट अगर देखो आपके दिल में है कि नहीं सर मुझे करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप करो, क्योंकि अपना दिल जो कहता है ना वो जरूर करना चाहिए। बट मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि आपको आगे पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम में क्या 1 महीने में कुछ हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। मेरा एक दोस्त था अभी उस समय, अभी तो अच्छे खासे पोजीशन पे, अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, उसने भी जबकि उसने क्या 12th में उसको मार्क्स आया बहुत कम मार्क्स आया, क्योंकि उसने गलती की थी जो मैं आपको कॉलेज बाद में बोलता हूँ ना कि 12th के बाद आप दूर कॉलेज जाओ, बट 11th और 12th एकदम नजदीक जो कॉलेज है उसी में जितना आप टाइम बचा सकते हो उतना टाइम बचाओ और उतनी टाइम सेल्फ स्टडी पे दो। तो उस बंदे ने वही गलती की थी, अपने घर से उसका डिस्टेंस मतलब बहुत, नवरों में बोईसर रहता हूँ, उसने वसई में कॉलेज है, कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया कि कॉलेज बहुत बड़ा अच्छा खासा है, तो वहाँ एडमिशन ले लिया। और अप डाउन करने के चक्कर में, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था पर अप डाउन करने के चक्कर में उसका परसेंट बहुत कम हो गया, और परसेंट कम होने के कारण उसको इंजीनियरिंग में जाना था पर उस समय उसका एडमिशन नहीं हो पाया। फिर इसके बाद उसने उसने चलो उस कॉलेज का नाम बता देता हूँ, ठाकुर कॉलेज में एडमिशन लिया।
बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में किया और इसके बाद उसने एमबीए किया। एमबीए करके आज अच्छे खासे पोजीशन पे है और ठाकुर कॉलेज में प्लेसमेंट के टाइम वो थर्ड नंबर पे था, पूरे बच्चों में थर्ड नंबर पे था और अच्छा खासा प्लेसमेंट हुआ। पर ठाकुर कॉलेज का प्लेसमेंट उसने नहीं लिया, इसके बाद उसने एमबीए किया और एमबीए के थ्रू उसको जो प्लेसमेंट मिला था उस प्लेसमेंट में, उस प्लेसमेंट को उसने लिया और अभी प्लेसमेंट कंपनी जिसके थ्रू वो प्लेसमेंट मिला था उसमें अभी है। अब भाई क्वेश्चन ये बन रहा है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ फिर उसने क्या किया। उसने क्या किया था कि उसको अपना मार्क्स बढ़ाना था, तो वो उस साल नहीं गया जिस साल मतलब उसको चांस, उसने वो एक साल के बाद जो दूसरा चांस था उस चांस पे उसने जाके अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया। पहले अराउंड उसको कुछ मेरे ख्याल से अभी मुझे पहले वाला याद नहीं है, दूसरे बार उसको 77% के आसपास कुछ मिला था, तो फिर उसने अपने मार्क्स इम्प्रूव कर लिया। उसको बस मार्क्स मार्क्स को इम्प्रूव करना था, उसने अपना मार्क्स कर लिया। भाई अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि आपको मार्क्स इम्प्रूव करना है बाकी कुछ नहीं, तो आप कर सकते हो, बट अगर है तो आप, अगर आप 10th वाले बच्चों को इतना मैं नहीं बोलूंगी आप ज्यादा पढ़ाई आगे वाली चीजों फोकस करो, इसका कोई इतना कुछ मतलब नहीं है। और रीचेकिंग के लिए मैंने रीचेकिंग के बारे में पूरा क्लियरली बता दिया, फिर भी अगर आप करना चाहते हो कि सर नहीं मुझे इंप्रूवमेंट एग्जाम देके पढ़ना है तो कैसा, तो आप बोलोगे तो उसके उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको पढ़ाई 1 महीने में कंप्लीट करना है, क्या करना है, क्या क्या चीजों फोकस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हर दिन का शेड्यूल बना लो भाई, 3-3 घंटे का शेड्यूल हर सब्जेक्ट का बना लो, जम के पढ़ो, देखो स्कोर चेंज हो जाएगा, स्कोर चेंज हो जाएगा, वो आपके ऊपर है। आपको पता होगा ना आपने साल भर हार्डवर्क नहीं किया, मेहनत नहीं किया, अभी अगर आप दिन रात उसको करके करोगे तो हो जाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो पॉसिबल नहीं है, ओके, मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो पॉसिबल नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप पॉसिबल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।